श्री पार्वती स्वामी सर्ववर्ती सभी धर्मानुरागी भक्तों एवं आचार्य तुलसी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के रूप में राजस्थान के इस रेगिस्तान में एक नया नखलिस्तान उभर करके आया है। अभी आदरणीय संयोजक महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि शौर्य शब्द जो बात कहते हैं उसे एक चित्र बहुत आसानी से व्यक्त कर देता है। और मुझे लगता है कि जिन चित्रों को हम यहां देखने जा रहे हैं वे चित्र मात्र चित्र नहीं है, उनमें सुनाई पड़ने वाले शब्द मात्र शब्द नहीं है, उन चित्रों और उन शब्दों के पीछे एक विचार है। और ये विचार ही उस निर्जीव चित्रपट में जान भर देता है। अभी कुछ निर्देशकों से मिलने का काम पड़ा। हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग की एक दास्ता मानो वे अभिव्यक्त कर रहे थे कि वर्तमान समय में चित्र को बड़ा महत्व दिया जाता है, उस चित्र के पीछे जो छिपा हुआ विचार है उस विचार को महत्व नहीं दिया जाता। सीधे शब्दों में कहें चित्र कौन है, वह जो अभिनय कर रहा है, और उसके पीछे विचार कहां से आता है, उस व्यक्ति के द्वारा जिसके हाथ में केवल एक कागज और एक कलम होती है, स्क्रिप्ट राइटर। लेकिन इंडस्ट्री में सबसे कम कीमत किसकी है, उसी व्यक्ति की हो जाती है। और ये जो कमी देखने में आ रही है और इसके कारण हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ अच्छे विचारों को प्रदर्शित करने वाले फिल्मों में भी कमी आई है। अगर हम मार्केट की रीडिंग करते हैं तो जब कोई व्यक्ति फिल्म बनाता है वह पहले किसे देखता है, वह पहले विचार पर फोकस नहीं करता, वह पहले ऑडियंस पर फोकस करता है कि किस दृश्य को देखने के लिए ज्यादा ऑडियंस है। क्या वह ऑडियंस पर फोकस करता है? नहीं, वह ऑडियंस पर भी फोकस नहीं करता, उसका फोकस उस ऑडियंस की जेब पर होता है कि कौन सा दृश्य मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, कौन सा चित्र बहुत बड़ा मुनाफा देकर के जाएगा। और इसी कारण कहीं ना कहीं विचारों को भी खरीद लिया जाता है, बाहर निकल करके खुद के बलबूते पर काम करना शुरू कर देते हैं। और वही लोग इस शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नायक बन करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे आपको लगेगा कोई प्रसिद्ध चेहरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जिनको हम आमतौर पर टेलीविजन में देखते हैं, जिनका नाम बहुत सुनते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। आपको कोई स्टूडेंट नजर आएगा,
आपको कोई लेखक नजर आएगा, हो सकता है आपने उसको कभी देखा ना हो, ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर नजर आएंगे, परंतु जैसा कि मैं कह रहा था, हमें चित्र पर नहीं ध्यान देना है, हमें शब्दों पर नहीं ध्यान देना है, उसके पीछे छिपे हुए विचार पर ध्यान देना है। और इसीलिए आचार्य तुलसी ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस फेस्टिवल के माध्यम से मुझे लगता है कि हम आचार्य तुलसी ने जो हमें विचार दिए थे, केवल वे विचार आचार्य तुलसी के विचार नहीं, आचार्य तुलसी तो इस पूरी सृष्टि के एक अविभाज्य अंग है, वो विचार किसी के माध्यम से भी व्यक्त हो सकता है, तुलसी के माध्यम से व्यक्त हो सकता है, वह आप लोगों के माध्यम से भी व्यक्त हो सकता है। तो ठीक एक ऐसी जगह ढूंढी जा रही है, एक ऐसा मंच ढूंढा जा रहा है जहां पर दिल से दिल मिलता हो, जहां पर तार जुड़ जाते हैं। और मैं इस बात पर खासतौर पर फोकस करना चाहूंगा कि यहां पर जो लोग अपनी फिल्म से लेकर गए हैं, उन्होंने दिमागों से फिल्में नहीं बनाई है, उन्होंने दिल से फिल्में बनाई है, क्योंकि जब दिमाग से फिल्म बनाई जाती है तब जेब देखी जाती है, और दिल से जब फिल्म बनाई जाती है तो क्या देखा जाता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, और आप इस फिल्म फेस्टिवल का पूरा लाभ उठाएंगे, और इसके साथ एक विचार लेकर के जाएंगे, क्योंकि दृश्य यहीं रह जाएंगे, शब्द यहीं छूट जाएंगे। हमने तो शब्दों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, इसलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने पर्दे भी ऐसे ले लिया कि शब्द गूंजे नहीं, हमें शब्दों की गुंजन पे फोकस ही नहीं करना, शब्द गूंजने नहीं देना है, हमें गुंजाना किसको है, हमें विचारों को गुंजाना है, और विचारों को गुंजाने के लिए पर्दे भी, उन विचारों को गूंजने से ये पर्दे नहीं रोक सकते, उन विचारों को गूंजने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है, और ये गूंज आप यहाँ से बाहर लेकर के जाएं, और जहाँ जाएं इस बात को वहां तक पहुंचाएं, उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग कौन हैं, आप लोग ही दर्शक हैं जिनको लेकर के वे लोग, वे बड़े लोग कहलाने वाले लोग फिल्में बनाते हैं, उनके मन में भ्रम है कि सिर्फ वही बिकता है, सिर्फ वही बिकता है। ये भ्रम जब उनके दिमाग से मिट जाएगा तो शायद अच्छे विचारों से रिलेटेड फिल्म्स भी हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकेगी। और ये फेस्टिवल इस मामले में एक मील का पायदान साबित होगा, इस आशा और विश्वास के साथ। ओम नमः।